आज की इस वीडियोस में हम जानेंगे SBI क्रेडिट कार्ड का हम बिल पे किस तरीके से कर सकते हैं ऑनलाइन ही घर बैठे ही और अपने मोबाइल से ही। ऐसे में होता क्या है, अगर आप SBI का क्रेडिट कार्ड से कोई शॉपिंग कर लेते हैं या फिर कैश निकाल लेते हैं, फिर आप कैश यानी कि किसी भी पेटीएम वॉलेट में आप यहाँ पर डाल लेते हैं, ठीक है। या फिर आप कहने का मतलब है, अगर आपने कार्ड से शॉपिंग या फिर पेमेंट यानी कि पैसे आपने यूज कर रखे हैं, और ऐसे में यह है कि आपको बैंक 50 दिन की यहाँ पर फैसिलिटी देता है कि आप 50 दिन तक बिना डरे यहाँ पर यूज कर सकते हैं, यानी आपको 50 दिन तक आपको पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पैसे यहाँ पर पे नहीं करते हैं तो आपको पेनाल्टी, इसी के साथ में आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी जोड़ना शुरू हो जाता है अगर आप जो पैसे हैं वो जमा नहीं करते हैं तब, ठीक है। तो किस तरीके से हम पैसे जमा करेंगे आज की इस वीडियोस में हम जानेंगे। तो चलिए हम इस पर सिंपली क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ पर अपना MPIN एंटर कर देता हूँ। ओपन हो जाएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर इंटरफेस आ जाएगा। अब आपका इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलता होगा। अगर आपने कभी भी पहले पेमेंट की होगी, जितनी भी आपने पेमेंट की होगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, अमाउंट पेड, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कौन सी तारीख में यहाँ पर किया गया है, ठीक है। इसी के साथ में आपकी टोटल अमाउंट है यानी कि इस मंथ पे करने की, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। और ये बताता है मिनिमम यानी कि अमाउंट, आप यहाँ पर कम में कम आप यहाँ पर 789 रुपये यहाँ पर पे कर सकते हैं। अगर आपके पास टोटल पैसे नहीं हो रहे हैं तो आप इतने पैसे यहाँ पर जमा कर सकते हैं, ठीक है, ये बोला जा रहा है, ठीक है, जो कि आपको 2 जून तक यहाँ पर पैसे जमा करने ही होंगे, ठीक है। ये 2 जून तक की है फिलहाल, और मुझे यहाँ पर मेरे पास पैसे भी हैं तो मैं सोच रहा हूँ मुझे 2 जून के लिए यहाँ पर पैसे जमा करने पड़ेंगे, तो मैं चलिए पहले ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर जमा कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले पैसे हो जाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हाँ मैं पहले ही पैसे जमा कर दूँ, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे यह है कि आपको जमा तो करना है ही, ठीक है। और यहाँ पर आपको वो पैसे दिखते हैं जो आपको यहाँ पर जमा करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जितना पैसा आपने खर्च कर रखा है तो वो पैसा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में आपकी टोटल मंथ में यानी कि कितना पैसा आपको पे करना है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर नीचे में आपको देखने को मिल जाता है जितने आपने पैसे पे कर रखे हैं, कौन सी तारीख में करे हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। कम में कम आप कितने पैसे यहाँ पर पे कर सकते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। EMI पर भी यहाँ पर हम पैसे को पे कर सकते हैं, पर यहाँ पर जो पैसे हैं वो मेरे यहाँ पर EMI पर पैसे पे नहीं होंगे, क्योंकि जो मेरे पैसे हैं वो यहाँ पर बहुत कम है, यानी कि 417 रुपये मुझे यहाँ पर देने हैं, तो यहाँ पर इसकी EMI नहीं बन सकती है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से आ रहा है। उसके बाद में हम कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैक्सिमम बुकिंग, ठीक है, अमाउंट यानी कि जो अमाउंट है वो आपकी बहुत कम है, ठीक है। तो आप इसे किस्तों में यहाँ पर यानी कि पे नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी ज़्यादा अमाउंट होती तब आप यहाँ पर किस्तों में जमा कर सकते थे। चलिए मैं यहाँ से बैक कर देता हूँ। तो जितनी अमाउंट आपकी यहाँ पर दिख रही है उतनी ही अमाउंट आपको पे करना है, 417.53 पैसे, ठीक है। तो चलिए मैं इस पर सिंपली क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में हम प्रोसीड पे सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पे आप सिंपली क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर देखने को मिल गया है कि 1418 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो कि 1418 रुपये पे करना नहीं है, जो कि हमें दिखा रहा था वहाँ पर उतने ही पैसे हमें पे करना है, यानी कि 400। यहाँ पर हम ऑथर पर सिंपली क्लिक करेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पर अमाउंट पे कर देंगे, जैसे कि 417.53 पैसे, ठीक है। आप यहाँ पर 55 भी पे कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर 55 पैसे पे कर देता हूँ तो यहाँ पर माइनस में दिखने लगेगा, हो सकता है, ठीक है, आने वाले समय में, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर पे पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। आप यहाँ पर पेमेंट मेथड सेलेक्ट करेंगे, किस मेथड के जरिए आप यहाँ पर पेमेंट करना चाहते हैं, तो जो आप पेमेंट के मेथड के जरिए यहाँ पर पेमेंट करना चाहते हैं वो मेथड आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद में हम यहाँ पर बैंक या फिर डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ रुपला डेबिट कार्ड, ठीक है। उसके बाद में पे नाउ पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। आपको यहाँ पर कार्ड नंबर डालना है, इसी के साथ में मंथ, इसी के साथ में ARCBV पिन, और इसी के साथ में आपको कार्ड होल्डर नेम डाल देना है, जो कि कार्ड पे नेम है, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर
मिल गया है मेक पेमेंट, ठीक है, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद में मेक पेमेंट पे हम सिंपली क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, तो वो OTP आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर OTP एंटर कर देते हैं। उसके बाद में मेक पेमेंट, इस पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। पेमेंट है वो आपके अकाउंट से कट चुकी है, और जो पेमेंट है आप यहाँ से बैक करेंगे और अपने डैशबोर्ड पे जाएंगे, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं माइनस में दिखा रहा है। मैंने आपसे कहा था अगर आप यहाँ पर एक पैसे भी यहाँ पर अगर आप बढ़ती पेमेंट कर देते हैं तो वो आपका यहाँ पर माइनस में दिखने लगता है। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियोस में आप सीख गए होंगे कि हम पेमेंट किस तरीके से कर सकते हैं ऑनलाइन, और आखिर इन ऑप्शंस का क्या क्या मतलब होता है, किस तरीके से हमें इन्हें यूज करना है, वो भी आप सीख गए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियोस को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।